So we were doing inferential statistics, and we remember inferential statistics we talked about two major objectives or goals. Just one was estimation, and the other was testing hypothesis. Inferential statistics can what we are more interested in. We have lectures. Mein ki hai, we are interested in that. sample ko study, karke, we draw inference about the population, and we, would, uh, we should be able to estimate the population parameter. क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ़ द केसेस में इट्स नॉट रियली पॉसिबल टू स्टडी द इंटायर पॉपुलेशन सो वट वी डू वी जस्ट टेक अ स्मॉल सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन वी स्टडी इट वी कैलकुलेट सैम्पल स्टिस्टिक्स एंड देन वी मेक सर्टन एजम्पन्स अबाउट द अंडरलाइंग पेरेंट पॉपुलेशन और फिर हम उन एजम्पन्स को टेस्ट करते हैं उन एजम्पन्स को टेस्ट करने के लिए हम डिफरेंट स्टिकल टेस्ट यूज करते हैं जिस तरह से जी टेस्ट है टी टेस्ट है और एफ टेस्ट है जी uh, टेस्ट में वी ऑलरेडी डन के जी स्टस्टिक्स जब हमने प्रॉबीबलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया जब हमने जी स्कोरस किए और हमने देखा कि हाउ वी कैन फाइंड और टेस्ट एनी जम्शन यूजिंग जी स्कोरस और जी स्टस्टिक्स जी स्टस्टिक्स हम यूज़ करते हैं वेन वी नो द पापुलेशन पुरामीटर्स जब हमें पापुलेशन का वेरियंस और पॉपुलेशन का मीन पता होता है और जब हमारी अंडरलाइंग पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो वी यूज़ जी स्टेटिस्टिक्स एंड आई एम शोर कि यू रिमेंबर कि जी के अंदर हमारा फार्मूला था मीन माइनस म्यू यानी हम सैम्पल की मीन से पॉपुलेशन की मीन माइनस करते हैं और फिर हम स्टैंडर्ड एरर से हम उसको डिवाइड करते हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड एरर वाज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट तो इसका मतलब है कि जी स्टेटस्टिक्स पे जाने के लिए या जी टेस्ट को यूज़ करने के लिए हमें म्यू यानी पॉपुलेशन का मीन और हमें सिग्मा जो है वो नोन होना चाहिए अगर हमें ये दोनों चीज़ें नोन हैं तो हम जी स्टिस्टिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उस जी स्टिस्टिक को टेबल में देख के हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू तो हम अपने नल हाइपोथिस को रिजेक्ट कर देते हैं सो so, सिमिलरली हम टी स्टिस्टिक्स भी यूज़ करते हैं टी स्टिस्टिक्स जो है थोड़ा सा डिफरेंट है जी से क्यों क्योंकि इसके अंदर जो मेन है uh, फार्मूला उसी तरह ही है लेकिन जो सबसे मेजर डिफरेंस है हमारे पास इज ईस्ट टीस्ट डिस्ट्रिक्स में हमारे पास पॉपुलेशन का वेरियंस अन होता है यानी हमें अंडर लाइंग पॉपुलेशन को जो हम स्टडी कर रहे हैं और हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम बल्कि ऑलमोस्ट एवरी टाइम हम जब कोई भी सैम्पल ड्रॉ करते हैं या हम हाइपोथिस को टेस्ट करना चाहते हैं तो हमें अंडर लाइंग पॉपुलेशन के वेरियंस स्टैंडर्ड एवियेशन पता नहीं होते हैं सो so, हम क्या करते हैं कि हम एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन के पैरामीटर्स यानी सिग्मा और म्यू को यूजिंग द सैंपल स्टैटिस्टिक और फिर तब टी टी टेस्ट को यूज़ करते हैं सो टी स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम uh, बिल्कुल उसी तरह ही मीन माइनस म्यू वाला फार्मूला यूज़ करते हैं लेकिन अब जब हम स्टैंडर्ड एरर से जब उसको डिवाइड करते हैं तो हमें सिग्मा की जगह स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिविएशन ऑफ द सैंपल नोन होता है हमें पॉपुलेशन का सिग्मा नोन नहीं होता तो हम सैंपल की स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन से उसको रिप्लेस करते हैं जब हम सैंपल की स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन यूज़ करते हैं तो वी यूजली गो विद अनबायस्ड एस्टिमेशन सैंपल की स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन को जब हम पॉपुलेशन के स्टैंडर्डिविएशन की जगह पे यूज़ करते हैं तो उसको अनबायस्ड एस्टिमेशन करने के लिए हम एन माइनस वन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वॉट इज़ एन माइनस वन विच इज़ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आई विल एक्सप्लेन इट शॉर्टली लेकिन हम बिल्कुल उसी तरह से सैम्पल के मीन से जो गिवन वैल्यू है पॉपुलेशन की माइनस करते हैं और उसको स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करते हैं टू कैलकुलेट द टी टेस्ट लेकिन उसमें हम वेरिएंस को रिप्लेस कर देते हैं सैम्पल की स्टैंडर्ड डिविएशन से और आपको याद है कि स्टैंडर्ड एवियेसन कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला समेन एक्स माइनस मीन स्क्वायर यानी सम ऑफ स्क्वाड डेविएशंस डिइडिड बाई एन होता है लेकिन जब हम टी स्टिस्टिक में उसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम एन माइनस वन उसको यूज़ करेंगे सो वी विल कैलकुलेट वेरियंस यू रिमेंबर कि एस इज़ इक्वल टू स्टैंडर्डियेसन जबकि एस स्क्वायर इज इक्वल टू वेरियंस जब उसका हम स्टैंडर्डिये का स्क्वायर ले, ले लेते हैं तो दैट इज़ वेरियंस तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला वैसे यूज़ करते हैं और हम अगले में प्लग uh, इन करते हैं वैल्यूज़ Uh, जब हम स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन ऑफ द सैम्पल कैलकुलेट कर लेते हैं तो वी प्लग इन द वैल्यूज़ इन द टी टेस्ट बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने अभी बताया है कि मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस ओवर एन अंडर रूट आप उसको एस ओवर एन अंडर रूट भी कर सकते हैं या आप सैम्पल वेरिएंस सैम्पल का यानी स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिविएशन ऑफ द सैम्पल डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट दोनों एक ही चीज़ें आप ये यूज़ करें इस तरह यूज़ करें uh, Both ways you will get the same answer um, <clears throat> so uh, t statistics uh, hum calculate kar Uske baad the um, it is used to test hypotheses about an unknown uh, population mean where the value of the sigma is unknown so mainly uh, when we will use bohase, uh, students' question me, miss uh, usually we talk about t and z because z is a लार्ज सांप स्टिस्टिक एंड टी इज़ अ स्मॉल साम्पस स्टिस्टिक क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन का शेप फ्लैटर होता है क्योंकि इसमें एन साइज स्मॉलर होता है ना uh, लेकिन इफ़ यू आर डूइंग योर डिस्टेशन यू आर कलेक्टिंग डेटा इवन यू हैव कलेक्टेड हंड्रेड और टू हंड्रेड डेटा पॉइंट्स बट स्टिल यू विल बी यूजिंग टी एंड नॉट जी टेस्ट वाई बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर के वेन वी गो टू द टी

एन माइनस वन यानी अनबायस्ड एस्टिमेशन यूज़ करते हैं एन अनबायस्ड एस्टिमेशन एन माइनस वन का मतलब है डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम जस्ट आई विल गिव यू एग्जांपल टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वैसे इसकी कोटेड डेफिनेशन है कि डिस्क्राइब द नंबर ऑफ स्कोर्स इन अ असाम्पल दैट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री टू वेरे आप इंडिपेंडेंट एंड फ्री टू वेरे का मतलब है कि आपने फर्ज करें मेरी एक पॉपुलेशन है और उसका जो वेरियंस है वो है फोर राइट right? अब आपने उसी पॉपुलेशन में से सैंपल्स निकाले फॉर एग्जांपल तीन लोगों ने सैंपल निकाला है एक का मीन आ गया है टू एक का मीन आ गया है थ्री एक का मीन आ गया है फोर सो सैंपल वन सैंपल टू सैंपल थ्री के मीनज आ गए राइट बट एक्चुअली आई नो कि सैंपल का जो मीन है दैट इज फोर सो अब मैं क्या करूँगी बिकॉज अनबाइस एस्टिमेशन का मतलब है कि यू हैव टू गेट वन सेल्फ फ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने एक सेल्फ फ्री रखना है ताकि उसमें आप वही वैल्यू डाल सकें जिनको मिला करके मैं एवरेज या आई कैन अप्रोच या आई कैन अप्रॉक्सीमेट और एस्टिमेट पॉपुलेशन का वेरिएंस। अब अगर फोर पॉपुलेशन का वेरिएंस है तो इसका मतलब है आई विल कीप वन सेल्फ फ्री सो आई कैन पुट डेट वैल्यू इन देयर टू गेट आन बस्ट एस्टिमेशन सो अगर हम फोर प्लस थ्री प्लस टू करें और एवरेज पॉपुलेशन का मेन एस्टिमेट करें तो फोर प्लस थ्री सेवन प्लस टू नाइन तो नाइन डिवाइडेड बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री वो आ जाता है थ्री जबकि एक्चुअली पॉपुलेशन का मीन थ्री नहीं है वो फोर है तो इसलिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम अनबाइस्ड एस्टिमेशन के लिए करते हैं कि हम एक सेल को फ्री करते हैं ताकि हम उसके अंदर उसी वैल्यू को रख के वी कैन अप्रोच वी कैन यू नो एस्टिमेट पॉपुलेशन इन अनबाइस्ड वे So degrees of freedom basically is the number of scores in a sample that are independent and free to vary, and it is always equal to n minus 1. So Jatna biapka, n size hai, n minus 1, yani you will keep one cell free, uh, so you can vary that. Because the sample mean places the restriction on the value of one score in the sample. there are n minus 1 degrees of freedom for a sample with the n scores. Exactly why Bata Hammusme. एन माइनस वन का uh, करेंगे कॉन्सेप्ट और द टी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ द कम्प्लीट सेट ऑफ टी वैल्यू जिससे हमने बिल्कुल जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है और हमने कहा है कि आप किसी भी जगह पे जी की वैल्यू फाइंड आउट करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं सो जी कोड भी पॉइंट ज़ीरो फाइव और वन पॉइंट थ्री 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 बिल्कुल इसी तरह टी डिस्ट्रीब्यूशन भी है और उसमें आप किसी भी जगह किसी भी वैल्यू uh, every possible random sample for a specific sample size for a specific degrees of freedom aap uski value find out kar sakte hain t distribution approximate the shape of a normal distribution as n increases ye maine aapko isme dikhate hain ye dekhen aapka jo jaise jaise n size increase hota jata hai agar n size hamara bahut small ho हमारी variability बहुत ज़्यादा होती है और हमारे t distribution की shape flatter होती है लेकिन जैसे जैसे हमारा n size increase करता जाता है ये हमारी अप्रॉक्सीमेट करता जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इसीलिए कहते हैं कि जब एन थर्टी से ज़्यादा हो जाता है तो इट एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेट द नॉर्मल कर्व और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट विद अ स्मॉल साम्पल साइज़ और द स्मॉल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम शेप ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन वुड ऑलवेज बी अल्ट्रबट फ्लैटर टी डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा वेरेबिलिटी होती है क्यों क्योंकि अगर एन साइज़ कम होगा वेरेबिलिटी ज़्यादा होगी जैसे जैसे हम एन इंक्रीज़ करते जाएंगे स्कोर्स टाइटन होते जाते हैं और हमारी वेरेबलिटी कम होती जाती है और इसमें भी, भी बिल्कुल वैसे ही हम प्रोपोर्शन और प्रॉबीबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं जैसा हमने जी स्कोर में किया यू रिमेंबर कि हमने किसी भी स्कोर के लिए वेन वी पुट दैट ऑन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वी आइडेंटिफाई और मार्क द एरिया एंड वी फाइंड द प्रोबिलिटी ऑफ एनी स्कोर अकरिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया बिल्कुल इसी तरह टी डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक टेबल है उस टेबल के अंदर आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उस वैल्यू को कंपेयर करते हैं आप अपनी कैलकुलेटेड uh, वैल्यू के साथ दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आ Uh, a t-table you can find it at the end of any statistic book. Just a z-table the author says one-tail, two-tail. You can select your alpha level and you can see the critical value against the degrees of freedom. We will do the t-test manually and solve few numericals in the next um, map.